मगर मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार, जो जो भी मुझे देख रहे हैं, आपको ये कहना चाहिए कि देवता तुम हो मेरा सहारा, ओले ओले, नव कल्पना नव रूप से ना। अब मेरा पोता बाला, ओ बाला, ओ बाला, ओ बाला, ओ बाला, समझे आप। तो संगीत से तो हमारी चार पीढ़ियाँ हैं और सर के साथ भी हमारा काफ़ी रहा है। आज मेरे साथ में एक मेरी शरीके हयात है, एक हमारे फिल्म हिंदुस्तान की बहुत बेजोड़ कलाकार हैं पुष्पा जी, और ये मेरी भी एक ही है जिसका नाम है रेशमा, और आज हम लोग आए हुए हैं। अच्छा, एक ही है? हाँ जी जी। चलिए, अच्छी बात है। अभी आज इस प्रोग्राम में आए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इस चीज़ के लिए, ग्लोबल के लिए जो भी ये जो संघर्ष हो रहा है, और मैं इस संस्था से करीबन 6-7 साल 8 साल तो हो ही गए हैं, और हमारा यही मतलब एक उद्देश्य रहता है कि सबको समझाने की कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, और प्रदूषण से बचो। और ये ह्यूमन बीइंग जो हमारा ये है संस्था, बहुत ही प्यारी संस्था है। इसमें जो जुड़े हुए जितने भी लोग हैं हमारे, राकेश पांडे जी हैं, उमर जी हैं, और भी कई बड़े बड़े दिग्गज हैं, भी सबके नाम लूँगा तो पता चला फिर मैं बोलूँ क्या, तो सारे महान इसमें लोग हैं, बबीता जी हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम ही नहीं है, ये हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के जीवन के लिए जो हम लोग सोच रहे हैं आज, जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए सोचा तो आज तक हम जिए, अब आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें सोचना चाहिए कि हमें प्रदूषण कम फैलाना चाहिए। और जो ये फंक्शन हम लोग करते हैं, इसको सिर्फ फंक्शन ही मत समझिए, इसको अवेयरनेस में लीजिए कि हमें भी इनकी तरह जागरूक होना चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों को यही समझाने की कोशिश करें। दिलीप साहब, जैसे आप बता रहे हैं अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह से विज्ञान तरक्की कर रहा है, जो विज्ञान का वेस्टेज निकल रहा है, लेट इट बी आप कंप्यूटर बोल लो, लेट इट बी मोबाइल बोल लो, लेट इट बी आप कोई भी चीज़ बोल लो, जी जी, उसकी वजह से भी प्रदूषण फैल रहा है। तो अब आधुनिक समाज के लिए जहाँ नया विज्ञान के आविष्कार ज़रूरी हैं, मैं आपकी बात बहुत सही कही आपने कि अगर कोई चीज़ अगर बनाने के लिए जो चीज़ में लगता है और उसके बाद में जो चीज़ वेस्टेज होती है, और जिसको वो वेस्टेज चीज़ से हमारे पानी को और हमारी हवाओं को दूषित करती है, मतलब ख़राब करती है, जिसकी वजह से हमें तकलीफ होती है। हम न्यूज़ में देखते हैं, न्यूज़ में ये देखते हैं कि भाई दिल्ली में गंगा का पानी या यमुना का पानी जो ख़राब हो रहा है वो फलानी फलानी फैक्ट्रियों से हो रहा है। तो ये बात बहुत सही कही आपने कि हम अगर कोई चीज़ को अपना रहे हैं तो उसकी जो वेस्टेज चीज़ है या उसकी जो चीज़ हमारे काम नहीं आए, उसको कैसे ख़त्म करके ऐसा ख़त्म किया जाए कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, तो बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि अगर आप करते हो तो कोई चीज़ को तो उसको संभाल कर उसको साफ सफाई, जिस तरीके से आप अपने घर को साफ सफाई, कोई कुछ भी करते हो, कुछ भी करते हो मगर घर को एंड में आप साफ तो रखते ही हो, जैसे अपनी प्लेट को आप साफ रखते हो तो क्योंकि उसमें दोबारा खाना खाए। तो ऐसे ही चाहता हूँ कि दुनिया में दोबारा भी जो आने वाली जनरेशन है वो जिए, तो प्रदूषण से बचना बहुत ज़रूरी है। चलिए, बड़ी खूबसूरती से आपने जवाब दिया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इस पर तो बातें करते रहेंगे तो घंटों निकल जाएंगे। बिल्कुल सर, बात खत्म नहीं हो जी। अब पुष्पा जी, इसमें कुछ वही अब जानना चाहते हैं कि आप पुष्पा जी के बारे में बताइए। पुष्पा जी, आप अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन बता सकते हैं? नमस्कार, मैं फिल्म अभिनेत्री पुष्पा शुक्ला बोल रही हूँ। थोड़ा जोर से। फिल्म अभिनेत्री पुष्पा शुक्ला बोल रही हूँ, और ये जो आपने अभी जो दिलीप जी ने कहा, ये बहुत सही चीज़ है। और पेड़, इन सब चीज़ों का जो आज हम लोग जो इसलिए आज यहाँ पर आए हैं, इन सब का निवारण एक ही है कि जब तक प्रकृति को नष्ट होने से हम लोग नहीं बचाएंगे, तब तक तो लोगों का बचना नामुमकिन है। तो आगे वाली जनरेशन और पीढ़ी के लिए हम लोगों को क्या इस तरह से कदम उठाएं कि आगे के आने वाली जनरेशन सेफ रह सके, तो उसके लिए एक ही चीज़ है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ लगा सकते हो। जो मैं एक चीज़ कहूँगी कि आविष्कार अपनी जगह है, लेकिन प्रकृति को नष्ट करके किसी चीज़ का आविष्कार कोई नहीं कहता कि करिए। तो प्रकृति को बचा के रख के जिस चीज़ का आविष्कार होता है, वो हम उस चीज़ को साइंस भी मानती है, हम लोग भी मानते हैं। और रही बात जो हमारा अपन प्रदूषण वगैरह सब चीज़ें, जब तक पेड़ नहीं लगाएंगे तब तक प्रदूषण से भी हम लोग नहीं बच सकते हैं। तो आज की जितनी भी जनरेशन है, हम सबसे यही चीज़ कहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, थोड़ा हरियाली ज़्यादा लाइए, कम करिए, नॉइज़ कम करिएगा, हर जगह लगा हुआ, जितना इन सब चीज़ों से हम लोग बचेंगे। मोबाइल का आप लोग उपयोग करिए, लेकिन इतना करिए कि जहाँ आप लोगों का काम लगे। जिस तरह से आज देखते हैं कि पूरा परिवार बैठा होता है लेकिन लोग मोबाइल में लगे हुए हैं, ये चीज़ें हमारा, हम ये नहीं कहेंगे कि ये हम आगे तरक्की पर ले जा रहा है, ये कहीं ना कहीं दिमागी तौर से, मानसिकता से हमें और बहुत पीछे लेके जा रहा है। तो हमें सब चीज़ें लेके चलने की ज़रूरत है, कोई चीज़ें भी नुकसान नहीं करती, समय के साथ साथ हर एक चीज़ ज़रूरी है, लेकिन प्रकृति को बचा के चलते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। अब जरा अपने बारे में बताइए, अब तक आने वाले प्रोजेक्ट क्या है?
प्रोजेक्ट तो दिलीप जी ने आप लोगों को बता ही दिया, लेकिन अभी हम उस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, बहुत कॉन्फिडेंशियल है। मैं एक बात और आप लोगों से और कहना चाहूँगा कि जैसे बीच में एक मुद्दा उठा था कि आर्य कॉलोनी में इतने पेड़ कटे तो काफ़ी बवाल हुआ लोगों को, मतलब उसमें घमासान भी हुआ लोगों ने, मगर मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारी सहूलियत के लिए अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो हमें सरकार का साथ देके एक पेड़ की जगह, आज हम लोग इतने लड़ने के लिए तो 100 लोग चले जाते हैं, मगर वो वहाँ लड़ने के बजाय अगर एक एक डाली लेके उसी के साइड में अगर एक एक पेड़ लगा लें तो 100 पेड़ उग जाएंगे बस्तर से लड़ाई के। यही मुद्दा लोग समझ नहीं पाते, इसी पर तीन झगड़े होते हैं। चलिए आपके यहाँ बेटर हाथ से बात करते हैं। जी हाँ, आप कुछ आप ये बोल दीजिए जो मेरे पति ने बोला वो सही है, बोल दीजिए। बस ये तो आप ही की बात वहाँ कर रहे हैं। चलिए एक ही पत्नी है ना, एक ही कोई बात। चल बेटा एक फैमिली फोटो ले ले मेरा, तू आना गजान। रमेश चंद्र पाठक मेरा नाम हुआ और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ। बड़ा ज्वलंत एक सब्जेक्ट है, विषय है जिसके ऊपर लगातार हम लोग काम कर रहे थे, और आज की जो आप हैदराबाद इंसिडेंट देखिए, जो महाराष्ट्र में जो इंसिडेंट हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए इसकी प्रासंगिकता और ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले लोग शिक्षित नहीं थे, जिस शिक्षा को हमने आगे बढ़ाने का काम किया पिछले 70 सालों में हमारी सरकारों ने, आज लोग शिक्षित हो रहे हैं। आज देखिए हैदराबाद के इंसिडेंट को लोगों ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है, कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर अपने अधिकारों को लड़ने के लिए ताकत होती है। आज उसका एक जो प्रदर्शन हो रहा है लोगों में, जो मैं मानता हूँ एज ए लॉयर, मैं मानता हूँ अगर लॉयर की तरह बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये गलत हुआ, लेकिन एक आम आदमी की तरीके से जिस तरीके से ये सपोर्ट मिल रहा है लोगों को, लोग कानून के लिए ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जहाँ होता है उसके लिए त्वरित निष्पादन के लिए कि पुलिस अथॉरिटीज जल्दी से जल्दी काम करें, इसके लिए लोग अगर शिक्षित होकर के उनके मन के अंदर ये चीज़ें अगर पैदा हो रही हैं तो कहीं ना कहीं हम जिस चीज़ को लेकर के 1948 से चले थे वो चीज़ हमारी पूरी हो रही है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। देखिए ऐसा है, राजनीति हमारे समाज का एक हिस्सा है, राजनीतिज्ञ हमारे समाज के हिस्सा हैं। अगर सरकारें बनती हैं और राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर पॉलिटिकल बयानबाजी होती है तो कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञ हैं, वो ये चीज़ करते रहेंगे, और मैं समझता हूँ समाज के अंदर उनका भी एक रोल है। अगर वो ये बयानबाजी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाज का हिस्सा होने के कारण ये कर रहे हैं। आप लोगों में आक्रोश देखिए ना, लोगों में आक्रोश देखिए, सरकार के विरुद्ध जो बातें उठती हैं कहाँ से, वो आक्रोश ही तो सरकार को काम करने के लिए प्रेरित करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। तो ये चीज़ें बहुत जरूरी है, मैं समाज के लिए समझता हूँ। 10 दिसंबर है, आज के दिन ह्यूमन राइट्स मनाया जाता है। पूरी दुनिया में सबको समानता का अधिकार है, दो वक्त की रोटी का अधिकार है, अपनी बात को प्रदर्शित करने का अधिकार है, और ये अधिकार किसी से छीनने का किसी को कोई हक नहीं है। अगर कोई छीनता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होती है, सभी जानते हैं। और सर आप काफ़ी टाइम से इस संगठन से जुड़े हुए हैं और आप अच्छा कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप देश के लिए, समाज के लिए और मानव के लिए जितने भी दुनिया में लोग हैं उनके लिए आप अच्छा करेंगे। मुकेश जी कुछ अपने बारे में बताइए हमारे मीडिया। देखिए सर मैं एक्टर हूँ, मेरा नाम एक्टर मुकेश अग्रहरी है और मैं पिछले 13.5 सालों से इंडस्ट्री में हूँ। मैं अभी तक 41 फिल्में कर चुका हूँ। रिसेंटली मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है मर्दानी 2। अभी एक फिल्म मेरी सिनेमाघरों में चल रही है जिसका नाम है मुंबई होटल, जो कि हॉलीवुड की फिल्म है। और अभी एक मैं वेब सीरीज़ कर रहा हूँ बालाजी के साथ जिसका नाम है मुंबई, उसमें मेरा किरदार बहुत अच्छा है, उसमें वसीम भाव का किरदार निभा रहा हूँ। एक फिल्म कर रहा हूँ निकम्मा, सब्बीर सर की फिल्म है जिन्होंने बागी डायरेक्ट की थी। एक मूवी कर रहा हूँ शमशेरा जो कि यशराज की मूवी है और जिसके डायरेक्टर हैं करण मल्होत्रा साहब। उस फिल्म में मेरे 2 सीन हैं। बस कर रहा हूँ सर, अच्छा कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी के लिए कुछ करूँ आगे, कुछ बड़ा बनके जब मेरे हाथ में ताकत होगी, सत्ता होगी, तब मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ सर। जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फिर आगे इस तरह से आप काम करते रहिए, फिर मिलेंगे, फिर और बातें करेंगे और आगे आप बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। डॉक्टर योगेश दुबे, मैं अध्यक्ष हूँ भारतीय विकास संस्थान के लिए, नेशनल यूथ अवॉर्डी हूँ और राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हूँ और कई संस्थाओं में एक्टिव हूँ और कई संस्थाओं का मैं अध्यक्ष हूँ। आज के इस फंक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज 10 दिसंबर के
मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आज यहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया है, और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के मानवाधिकार पर सम्मेलन नियमित रूप से आयोजित होते रहने चाहिए, जिससे लोगों को मानवाधिकार के प्रति जागरूकता बनेगी और साथ ही साथ जो है हम समाज में और देश में कैसे अपना योगदान कर सकते हैं उसके बारे में भी एक भूमिका तय हो सकती है। दुबे जी, एक छोटा सा सवाल है कि मानवाधिकार के ऊपर कई बार उसका दुरुपयोग भी होता है, इस बारे में आप बखूबी जानते होंगे, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि सिर्फ उसके अधिकार को लेकर कई बार उसका गलत प्रयोग होता है? हम मानव अधिकार की बात कर रहे हैं, उसके दुरुपयोग की बात नहीं कर रहे। जहाँ जहाँ दुरुपयोग हो रहा है उस पर तत्काल जो है ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़क कार्रवाई होनी चाहिए जो मानवाधिकार के नाम पर जो है दुरुपयोग इसका कर रहे हैं। लेकिन इस देश में बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों का जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, निश्चित ही उस पर बड़े पैमाने पर काम करने की आवश्यकता है। आज इस संस्था के लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे कि लोग जो इसमें प्रयासरत हैं पिछले कुछ सालों से, क्या इनकी तरक्की क्या रही है और क्या इनका इनके बारे में आप उम्मीद रखते हैं? निश्चित ही ये एक प्रयास तो कर रहे हैं कि एक माहौल बने और लोग जो हैं निश्चित ही एक साथ एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तभी संस्थाएं आगे बढ़ती हैं। और पिछले अनेक वर्षों से मैं स्वयं भी समारोह में आता रहा हूँ, संस्था के सही पदाधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं और मानवाधिकार पर अपनी भूमिका भी अच्छे तरीके से रख रहे हैं। इस पर एनआरसी के मुद्दे पर लोकसभा में वो प्रस्ताव पारित हो चुका है, और मैं मानता हूँ कि भारत सरकार जो भी कदम उठा रही है निश्चित ही भारत की सुरक्षा के लिए उठा रही है और नागरिकों की ही उससे सुरक्षा होगी, और आने वाला समय भी जो है एनआरसी के पक्ष में रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि देश में एक माहौल भी इस पर बना हुआ है, नॉर्थ ईस्ट भी धीरे धीरे इस पर तैयार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बनारस का पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजा सिंह गौतम, माननीय मोदी जी वहाँ से संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, इसलिए मैं वहाँ से रिप्रेजेंट करता हूँ। रहा प्रोग्रेसिव ह्यूमन राइट की बात जो आज अपने इस विषय पर, पूरे विश्व में आज ही मनाया जा रहा है। 10 दिसंबर 1948 को जो न्यू इस देश विश्व में पड़ी प्रोग्रेसिव ह्यूमन राइट के लिए, वो आज यूरोप से, अफ्रीका से, एशिया से होते हुए बनारस और देश के विभिन्न क्षेत्रों में सब जगह पर ये ह्यूमन राइट के बहुत से ऐसे काम हैं जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता हो। वो एक तरह से एक न्यायालय है, अगर कहीं इनजस्टिस हो रहा है तो उसमें जस्टिस दिलाने का काम प्रोग्रेसिव ह्यूमन राइट का अपना, मैं जिसका पदाधिकारी हूँ या मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ, ये उनका मुख्य काम है कि हम लोग जहाँ पर जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा है वहाँ जस्टिफिकेशन कराना, और ये एक न्यायालय की तरह काम करती है। ये ऐसा नहीं है कि ये केवल 100 पीस है, कहीं आया कहीं गया। आज जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले हैदराबाद की घटना देखी होगी, उसको मैं ये नहीं कर रहा हूँ जस्टिफाई कर रहा हूँ, या मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि नहीं वो गलत हुआ है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मानवाधिकार का रोल उसमें था और मानवाधिकार ने अपना इंटरफियर किया, और जो बातें सामने आई हैं वो आप सब लोगों को मालूम है, वाया मीडिया, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, एवरी पर्सन नोज वेल नोन, तो उसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहना है। हाँ, ये प्रोग्रेसिव ह्यूमन राइट जो हमारे दो छोटे भाई जिसके चेयरमैन और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, मिस्टर राकेश पांडे और मिस्टर राकेश पांडे इज द रिनाउंड फैमिली स्टार गुजराती एंड हिंदी फिल्म, वो उसके चेयरमैन हैं, और उनके छोटे भाई हैं मुकेश जी जो दिल्ली में रह करके मीडिया का ही काम करते हैं, वो इसको सह संयोजक के रूप में या कन्वीनर को कन्वीनर के रूप में कार्य करते हैं, और उन्हीं की ये जो आज का जो कार्यक्रम है उसी के लिए ऑर्गेनाइज किया गया। आपके साथ में जो बैठे हैं उनका परिचय कराइए। मैं रामचरण गुजराती हूँ और दिल्ली में जो बीजेपी को रिप्रेजेंट करता हूँ वहाँ पर जो है एक है राष्ट्रीय परिचय ट्रेनिंग सेल, उस ट्रेनिंग सेल का दिल्ली का संयोजक हूँ। आज हम सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ह्यूमन राइट्स का जो कार्यक्रम है, ये फाउंडेशन जो है पिछले कई वर्षों से लगातार मतलब कि मानव अधिकार के लिए काम कर रहा है, और देश के कोने कोने में आज जैसे महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे में ये कार्यक्रम है, इस प्रकार से कई प्रदेशों में इस प्रकार के कार्यक्रम हर वर्ष हम सब लोग जो है, आज मानवाधिकार दिवस है उसके लिए तो मैं सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ। और जहाँ पर भी अन्याय होता है
जहाँ भी जो अन्याय हुआ है, कई लोग जो है वो न्याय की बात करते हैं, एक पक्ष को लेकर बात करते हैं, जहाँ दूसरी जगह न्याय होता है वहाँ पर लोग खुल कर के न्याय पाते। हम सब लोग देश में सबसे ज़्यादा इसी बात को कर रहे हैं, अगर अन्याय कहीं हुआ है तो अन्याय होता है चाहे वो कहीं भी, तो हमें सब जगह खड़ा होना चाहिए। कुछ लोग हैं जो एक जगह खड़े होते हैं दूसरी जगह नहीं खड़े होते, उनके लिए भी आज मानव अधिकार का जो हम सही में महत्व है कि जिस भी मानव के खिलाफ जहाँ भी गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ हम सबको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति के माध्यम से हो, चाहे किसी संस्था के माध्यम से हो, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी के माध्यम से हो। एक जगह न्याय हो रहा है वहाँ पर 50 लोग खड़े हैं, एक जगह अन्याय हो रहा है वहाँ पर कोई नहीं आया, तो हमारा जो ये संगठन है हर जगह उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए काम करता है। देश पूरे देश में बहुत सारे लोग जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं, बहुत सारे मतलब कि राजनीतिक लोग जुड़े हैं, सामाजिक लोग जुड़े हैं, RW के लोग जुड़े हैं, जो इस संस्था के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। और हम सब लोग आज इस ये जो दिवस है, इस दिवस पर यही संकल्प लेते हैं कि जहाँ भी अन्याय हो रहा है, जहाँ भी अन्याय होता है, तो वहाँ पर सबको एक समान मान करके जहाँ अन्याय हुआ है, ऐसा नहीं कि एक पक्ष का मेरा व्यक्ति है उसने अन्याय किया है मैं उसका पक्ष लेकर के वहाँ पहुँचूंगी। कई लोग देखें कैंडल लेकर लोग मार्च निकालते हैं, कई जगह कैंडल लेकर जो लोग जहाँ पर अत्याचार हुए हैं, जहाँ पर अन्याय हुआ है उसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। तो हमारा जो संगठन है हर जगह जहाँ अन्याय होता है उसकी आवाज़ उठाता है, न्याय दिलाने का काम करता है। आज भी यहाँ पर जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर इसी पर विचार विमर्श किया गया है कि हमारा जो संगठन है पूरे देश के अंदर ये काम करता है, और आज मुंबई के अंदर ये अधिवेशन जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका भी उद्देश्य यही है कि हम सब लोग पूरे देश के अंदर लोगों से प्रार्थना करें, सामाजिक लोगों को, अच्छे लोगों को आगे आने का निवेदन करें कि जहाँ भी अन्याय हो रहा है, मानव के खिलाफ जो भी काम हो रहा है उसके लिए हमें आगे आकर के उस न्याय दिलाने का काम हम सबको करना चाहिए। मैं गुजरात गांधीनगर से बिलोंग करता हूँ, वो अमित भाई शाह की कंसल्टेंसी है। मैं गांधीनगर महानगर भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। प्रोग्रेसिव फाउंडेशन की ओर से जो इसका चेयरमैन राकेश पांडे जी है उन्होंने मेरा आमंत्रण दिया था, तो मैं इसका आमंत्रण स्वीकार के लिए यहाँ आया हूँ। ह्यूमन राइट्स 1993 में जब आयोग बना, 10 दिसंबर के दिन, आज का ही दिन पूरे विश्व में इसका ह्यूमन राइट्स डे के रूप से मनाया जाता है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में सबको अधिकार मिलना चाहिए, सबको बोलने का, सबको समान नज़रिए से देखने का, दलित चाहे दलित हो चाहे अमीर हो, सबको सबका अधिकार मिले और इसका पालन हो। इस तरह से जो ह्यूमन राइट्स सबको दिया है इसका न्याय मिलना चाहिए, ऐसी सभी विश्व में जो रहने वाले सभी लोग हैं इसको हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ताकत को जाने, पहचाने और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना सीखे, क्योंकि जो मानव अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना नहीं जानता वो एक पशु के समान होता है। और आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे में इस अवसर के ऊपर, चूंकि अभी हैदराबाद के अंदर इतनी क्रुएलिटी के साथ जो रेप हुआ और जिस तरीके से उस डॉक्टर लड़की को जिंदा जलाया गया, इतना घिनौना अपराध था, और जिस तरीके से पुलिस वालों ने जो है उनका इनकाउंटर किया, संसार के अंदर, भारत के अंदर, हर कोने के अंदर जो है अप्रिशिएट किया जा रहा है। और क्यों ऐसा अवसर आया कि इनकाउंटर करने के बाद जो है पूरे देश के अंदर जो है सारे लोग खुश हुए, महिलाएं खुश हुई, पुरुष खुश हुए, बच्चे खुश हुए, और हर मर्द को शर्म आती थी उस घटना के बाद कि हम मर्द हैं, कि घर में अपनी बेटी का, अपनी वाइफ का, रास्ते में चलते अपने गर्लफ्रेंड के सवालों का जवाब कोई नहीं दे पा रहा था कि आखिरकार इंसान इतना गंदा क्यों हो गया है, मर्द जाति क्या इतनी गंदी हो सकती है कि निर्भया जैसा कांड और हैदराबाद जैसा कांड होगा। इसको पुलिस वालों ने इनकाउंटर करके ये चीज़ सिद्ध किया है कि मर्द जाति ऐसी नहीं है, मर्द जाति जब जब जरूरत पड़ेगी तो ऐसे अपराधियों का, ये सिर्फ रेपिस्ट है, इनकी कोई जात नहीं है, ना किसी धर्म से बिलोंग रखते हैं, ऐसे लोगों का ऐसे ही इनकाउंटर किया जाएगा। लेकिन मैं मानव अधिकार के मंच से किसी की हत्या का फेवर नहीं करने के बावजूद भी एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ऐसी नौबत इसलिए आई क्योंकि अदालतों के अंदर 8-8, 10-10 साल तक अभी निर्भया का मामला जो है 7 साल से जो है कोर्ट के अंदर जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, आज तक उन हत्यारों को नहीं हुई। ऐसे ना अभी उत्तर प्रदेश के अंदर एक लड़की को
जिंदा एक किलोमीटर तक भागी, जिंदा जलाकर उसका रेप किया गया था पहले, उसका मुकदमा लड़ने के लिए जा रही थी अदालत में, रास्ते के अंदर वो बदमाश जिनको जमानत उसी कोर्ट ने दी थी उन्हीं रेपिस्टों को, और उन लोगों ने उसको जिंदा जो है जलाया सड़क पर खुलेआम, एक किलोमीटर तक भागी, उसका शरीर पूरा जल गया था। किसी उस लड़की के अंदर कितनी हिम्मत होगी, माँ दुर्गा ने कितनी ताकत दिया होगा कि उसने किसी और से मोबाइल लेकर फ़ोन करके पुलिस को बुलाया और हॉस्पिटल में चीखती रही कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ, इनको सलाखों के पीछे भेजना चाहती हूँ। तो ये किसकी देन है? आप आज से लेके पहले तक की जितनी सरकारें हैं उनको ये चेतावनी है कि अगर वो लोग नहीं संभले तो हर जगह इनकाउंटर होंगे, ऐसे अपराधियों की मॉब लिंचिंग होगी, ऐसे रेपिस्टों को लोग पकड़ पकड़ कर मारने लगेंगे, तब इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा? लोग कानून अपने हाथ में ले लेंगे। तो अदालत के अंदर लाखों मुकदमे जो है आज की डेट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। एक मुकदमे का नंबर 20 साल बाद आता है, 15 साल बाद आता है, जज नहीं है। जब जज नहीं है तो न्याय कहाँ से मिलेगा? तो जजों की संख्या बढ़ाओ और बाउंड करो कि 24 घंटा 48 घंटा 3 दिन 5 दिन में ऐसे रेपिस्ट जो घिनौने हैं इनके खिलाफ सीधे सजा देनी है, इनके पीछे कोई ट्रायल चलाने की ज़रूरत नहीं है, तब जाके इनके अंदर दहशत होगी। जब इनको जिंदा जब आप लटकाओगे ऐसे लोगों को और टाइम पीरियड में लटकाओगे, टाइम फ्रेम पे लटकाओगे, तब कोई इनकाउंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी भी हमें भी उसकी हिमायत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब ज़रूरत आ गई है देश को एक सख्त कानून बनाने की। और एक बात और आप लोग की मीडिया के माध्यम से कह देना चाहूँगा, दोस्तों आप लोग हो संसार में एक हर बात पहुँचाते हो, ये बात ज़रूर पहुँचाओ, क्योंकि ये आपके घर में, हमारे घर में, इनके घर में, इनके घर में, हर आदमी यहाँ समाज से जुड़ा हुआ है। आज देश 70 साल में हर बच्चा एक चीज़ सीखता है कि मोर को मारने पर फांसी हो सकती है। तो मोर को मारने की हिम्मत किसी को नहीं होती, कोई मोर को देखो कोई मारता है, लेकिन यहाँ पर लड़की का, वो भी दो दो साल, चार चार साल, पाँच पाँच साल की बच्चियों का इस तरीके से बलात्कार हो रहा है। ये बलात्कार तमाम मानव जाति का है, ये तमाम मानव जाति का है, भारत के लोकतंत्र का है, भारत के संविधान का है। दृढ़ता अब सिर्फ बातों से नहीं चलेगी। आज के समय में कोई भी लीडर या नेता कहता है कि इसके अंदर जो है जल्दी सुधार हो जाएगा, जल्दी जो है हम न्याय करेंगे, न्याय प्रणाली को दुरुस्त कर देंगे, 256 जो है उत्तर प्रदेश के अंदर न्यायालय खोल दिए गए हैं कि 256 न्यायालय को और बढ़ा दिया, 256 न्यायालय से कुछ नहीं चलेगा। देश के अंदर एक ऐसा कानून लागू करना पड़ेगा जो लोकसभा में पारित होता है, कोई राज्य के अंदर नहीं, लोकसभा में पारित होता है, जैसे मकोका है, कोटा है, वैसे इसका कानून होना चाहिए कि ऐसे अपराधियों को पकड़ के तुरंत 24 घंटे के अंदर, अगर वो अपराधी है तो देश का एक रुपया हमारी इनकम टैक्स का ऐसे अपराधियों को खिलाने में पिलाने में खर्च नहीं होना चाहिए। इन लोगों को सरेआम जो है उठा के फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि इससे घिनौना अपराध हो नहीं सकता। और इतना घिनौना इस देश में हो रहा है, अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो हर पुलिस स्टेशन के अंदर इनकाउंटर होंगे या पब्लिक के द्वारा जो है ये लोग मारे जाएंगे, जिसका एक मानवाधिकार संस्था कभी भी समर्थन नहीं कर सकती। लेकिन अगर अदालतें, देश का कानून इतना सख्त नहीं हुआ तो कोई रोक भी नहीं पाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र का हनन हो। देश तुरंत कानून बनाए, और इसकी मांग करने के लिए प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने पूरे इंडिया भर में अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक किया है, और हर जगह हमने कहा है, हर राज्य के अंदर आंदोलन होगा, सरकार को जो है हमने जो है, क्योंकि सरकार ही जो होती है वही हमारी आवाज़ सुनती, जिसकी सरकार होगी वही नियम बनाएगी, और सरकार को हम लोग जो है इसका ज्ञापन दे रहे हैं, हर जगह 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 जो है सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं, और शीघ्र ही हम इसके ऊपर इतनी बड़ी मांग उठाने जा रहे हैं पूरे प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के द्वारा। आज हमने संकल्प किया है कि 10 दिसंबर के दिन कि हम जो है सरकार से इसके ऊपर सख्त कानून ला के दिलवा के ही रहेंगे, तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। अगर इन सब एनजीओज आप हमारे साथ दे रहे हैं तो वो साथ से हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला कि फांसी चढ़ा देनी चाहिए, ऐसे ही आउट ऑफ इंडिया में सब जगह फांसी चढ़ाई जाती है विद इन 24 घंटे में, सऊदी में जल्दी मारी जाती है और सरे आम लटकाए जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ, मैं भी सरकार से यही दरखास्त करती हूँ कि ऐसे ही कानून लाया जाए अपने भारत में, और हमारा भारत का नाम रोशन करे, ना कि हमारा भारत का नाम बदनाम करे। हमारे भारत को आगे बढ़ना चाहिए, और इसी सब में पहले तो हमें महिलाओं को मजबूत बनना है, और हमारी संस्थाएं मजबूती है, इनका साथ लेके हम आगे जरूर करेंगे। और मीडिया द्वारा हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, पीएम मोदी तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि वो भी सुने कि हम मीडिया असुरक्षित है, तो बस हमारे ऊपर एक काम कार्य करें
धन्यवाद। थैंक यू। बच्चा हो और बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये क्यों नहीं बोलते कि बेटे को पढ़ाओ ताकि किसी की बेटी बच जाए। सबसे पहले शिक्षा हमको बेटे को भी देनी है कि हर नारी को एक अच्छे रूप में देखे, एक बहन के रूप में, एक माँ के रूप में, ताकि ये सारे क्राइम्स को हम कंट्रोल में ला पाए। मेरी गुजारिश यही है कि पढ़ाई एक एजुकेशन से ही हम एक चेंज ला सकते हैं, और चेंज लाने के लिए सबसे पहले हमें खुद को बदलना है, क्योंकि वी आर द ओनली पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज। फर्स्ट चेंज योर सेल्फ, चेंज योर इमीडिएट पर्सन इन योर फैमिली, देन ओनली द चेंज विल बी इंटरनेशनल और विल बी द वर्ल्ड वाइड। तो सबसे पहले अपने में चेंज लाइए, अपने घर वालों में चेंज लाइए। हर घर में ये चेंज आ जाएगा तो हमें कहीं बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर इंसान एक अच्छा हो जाएगा, और ह्यूमन राइट के लिए हमें इस तरह लड़ना या बोलना नहीं पड़ेगा। Thank you.